हेलो एवरी well. मैं आप लोगों का पुनीत और आज की वीडियो में बात करूंगा मोज़ा मिनी पी मैक्स के बारे में जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा गिम्बल है फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स वीडियोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स के लिए सो so आप काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार अंडर ट्वेंटी थाउजेंड में कौन सा गिम्बल लेना चाहिए तो आई थिंक ये एक वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल है जो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं और या फिर जो लोग व्लॉगर हैं और जो लोग एक ऐसा गिम्बल देख रहे हैं जिसके ऊपर मोबाइल कैमरा और एक्शन कैमरा तीनों आसानी से बैलेंस हो जाए तो स्टार्ट करते हैं बिना वह गवाए अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट तो टाइम सब्सक्राइब कर लें और जान लेंगे हम लोग इस गिम्बल के बारे में कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसे लेना चाहिए नहीं तो चलिए शुरू कर देंगे लेट्स गेट स्टार्ट तो देखिए ये एक बजट फ्रेंडली गिम्बल है और काफ़ी एक अच्छी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है और इस गिम्बल का जो साइज़ है ना वो एग्जैक्टली सेम साइज़ है जो कि आपने स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन गिम्बल्स अगर आपने चलाए हो तो मोबाइल फ़ोन के गिम्बल से ना थोड़ा से ही ज़्यादा बड़ा है तो एक्चुअली में गिम्बल अपने आप में काफ़ी लाइट वेट है पर ये एक वन के जी तक के पे लोड तक के कैमरे को बैलेंस कर सकता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे एल्फा सिक्सटी फाइव हंड्रेड सोनी का बैलेंस किया हुआ है उसके ऊपर थर्टी फाइव में मैंने लेंस अटैच किया हुआ है वन पॉइंट एट अप वाला एंड ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो गया इसके ऊपर एंड इट वर्क्स परफेक्टली विथ एनी सॉर्ट ऑफ एंगल तो ये इस गिम्बल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप इस पर मोबाइल फ़ोन कैमरा और एक्शन कैमरा तीनों ही बैलेंस कर सकते हो तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और अब तक आप सोच रहे थे कि मैं मोबाइल फ़ोन गिम्बल ले, ले लेता हूँ है ना क्योंकि आप अगर मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हो कॉन्टेंट बनाते हो तो आई वुड रिकमेंड कि यार मोबाइल फोन का गिम्बल ना लेके इस गिम्बल को ले लो उसके पीछे रीजन क्या है कि आप इसमें मोबाइल तो बैलेंस कर सकते हो कैमरा भी बैलेंस कर सकते हो और एक्शन कैमरा भी बैलेंस कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है ना आप अगर फ्यूचर में कोई एपीएससी कैमरा लोगे तो वो भी इस पर तो बैलेंस हो जाएगा आपको अलग से नया गिम्बल लेने की जरूरत नहीं है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और एक फोल्डेबल डिजाइन में आता है तो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है आपके आराम से आपके लैपटॉप बैग में आपके कैमरे के बैग में और आपके यू you नो know, किसी भी टाइप के ट्रैवल बैग में इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो बिकॉज ऑफ काफी ज़्यादा इट ये लाइट वेट है तो इस गिम्बल का ओवरऑल वेट आई गेस थ्री हंड्रेड के बीच में होगा और इसके ऊपर आप ऑलमोस्ट वन के तक के कैमरे को बैलेंस कर सकते हो तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी है लाइट वेट भी है ट्रैवल के लिए भी आसान है और मल्टीपर्पज uh, के लिए बनाया गया है तो जब आप परचेज करोगे इसे तो आपको इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलेगा इस बॉक्स पे आप देख सकते हैं मिनी पी मैक्स लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है फोल्डेबल थ्री इन वन गिम्बल और जब आप इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको यू नो बॉक्स में से जो है इसके फ़ोन का क्लैम्प मिल जाता है जो कि एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है गिम्बल मिल जाएगा फोल्डेबल तरीके से गिम्बल को रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर मिल जाएगा इसकी जो है वो पेपर वर्क मिल जाएगा साथ साथ में अगर आप इसे इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपको वन ईयर की वारंटी भी मिलती है और इसकी जो है केबल मिल जाती है टाइप सी की इसे चार्ज करने के लिए हाँ मैंने सही सुना है एक टाइप सी केबल मिल जाती है आपको इट मीन्स आपको गिम्बल पे टाइप सी का पोर्ट मिलता है अदर कोई तो इसकी बैटरी बैटरी इस नहीं हो सकती बैकअप है वो है अप्रोक्सीमेटलीवन आवर्स का तो काफी देर तक आप इस गिम्बल को अपने प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो सात घंटे बहुत होते हैं यार सात घंटे से ज्यादा गिम्बल कोई चलाता नहीं है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाऊंगा पहले तो मैं इसे ऑफ करता हूँ और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है गिम्बल पे कि ये बजट फ्रेंडली एक ऐसा गिम्बल है जिसपे लॉक का ऑप्शन मिलता है गिम्बल को लॉक करने का तो मैं मोटर्स को इस तरीके से लॉक कर सकता हूँ नाउ यू कैन सी लॉक लॉक हो चुका है इसके ऊपर एक्सेस लॉक का ऑप्शन मिल जाता है इसका एडवांटेज ये है कि जब आप गिम्बल को नहीं यूज कर रहे हो तो इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा कि बहुत टाइम पे एक्सीडेंट से बचाता है गिम्बल को होने से और आई थिंक ये एक आजकल कॉमन फीचर हो गया है जो मेजोरिटी ऑफ गिम्बल्स में देखने को मिलता है यहाँ पे एक पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड स्विच मिल जाता है एक छोटी सी एलईडी लाइट मिलती है जो कि आपकी बैटरी इंडिकेशन को और गिम्बल के नो ऑन ऑफ हुआ नहीं हुआ उसको इंडिकेट करती है पीजे की तरफ पे एक ट्रिगर मिलता है जिससे आप अपने गिम्बल की पोजिशन को रीसेट कर सकते हो और इसमें एक ब्लॉगिंग मोड भी अगर आप डबल डबल बार टैप करेंगे तो ब्लॉगिंग मोड में चले जाएगा और ट्रिपल बार टैप करेंगे तो अपनी कॉमन पोजिशन में आ जाएगा लाइक like दिस इसके ऊपर एक जॉयस्टिक मिल जाती है जिससे आप इसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो साथ साथ में ये वर्टिकल मोड को भी सपोर्ट कर साथ साथ में सारे मेजोरिटी गिम्बल मोड्स इसमें देखने को मिल जाएंगे पैन टिल्ड पैन फॉलो साथ साथ में वर्टिको मोड जो होता है वो सारे के सारे जो ऑप्शन है इस गिम्बल में आपको देखने को मिलते हैं तो काफी अच्छा एडवांस गिम्बल है अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है कॉन्टेंट शूट करना या फिर आप एक बिगिनर हो या फिर आप वेडिंग शूट करते हो और आप एक हल्का गिम्बल देख रहे हो अपने ए कैमरास के लिए तो आई थिंक इट्स वन ऑफ़ द बेस्ट चॉइस टू गो विथ आप ऑफ कोर्स इसके ऊपर ए सेवन एम थ्री भी बैलेंस कर सकते हो बट केस ये है कि आपको काफ़ी लाइट वेट लेंस चाहिए रहेगा तो लाइट वेट लेंस अगर है आपके पास वन के जी तक का पेलोड अगर आपके पास में एक हल्का सा लेंस है तो आप इस पर सेवन एम थ्री को भी इजिली बैलेंस कर पाओगे मैंने इसके ऊपर बैलेंस करके देखा है और बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है सो so, ये एक बहुत ही अच्छा गिम्बल है टू तो गो विथ एंड आई थिंक इट्स इट्स वन ऑफ़ द गुड चॉइस इसकी जो प्राइस है वो अराउंड एटीन थाउजेंड नाइन नाइन्टी रुपीज़ है तो इसकी एम आर पी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और अभी जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप जाकर के देख लीजिएगा हो सकता है आपको 18,990 से कम की प्राइस में भी मिल जाए तो अगर आप अपने मोबाइल फोन के लिए गिम्बल भी लेते हैं ना तो वो भी आपको अराउंड दस बारह का कॉस्ट करता ही है तो दस बारह हजार का मोबाइल फोन का गिम्बल लेने से बढ़िया है कि आप एक कैमरे का गिम्बल ले लो जो कि मोबाइल फोन के लिए भी यूज हो जाए ये कुछ सैंपल शॉट्स हैं जो कि मैंने इस गिम्बल से शूट किए थे ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ दिस गिम्बल एंड आई कुड से यार ये बहुत ही अच्छे स्टेबल शॉट्स रिकॉर्ड कर सकता है और आप अगर कंटेंट क्रिएशन में से यूज करते हैं तो ऑफकोर्स आप काफी सिनेमेटिक कंटेंट uh, से रिकॉर्ड कर पाओगे सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉलो कर लेंगे मुझे फेसबुक पे थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून एंड कीप शूटिंग